Hello friends, welcome to Krishi's Diaries. So here I come with another video and ये बहुत ही एक interesting सा video होने वाला है and आज हम करने वाले हैं wall art at just rupees 20. Yes, you heard it right, wall art at just rupees 20 जो कि budget friendly भी है and renter friendly भी है. So let's get started. आज का जो वॉल आर्ट है इसके लिए मैं कुछ लेने वाली हूँ प्लेट्स. ये थर्मोकॉल के प्लेट्स हैं, सोलो प्लेट्स, थर्मोकॉल प्लेट्स जो भी आप बुलाते हो. सो ये कुछ 15 मैंने खरीदे हैं बट मैं सिर्फ 6 यूज करने वाली हूँ. आप अपने हिसाब से कम या ज्यादा यूज कर सकते हैं. सो ये जो सबसे पहला प्लेट है इसमें मैं कुछ रोजेस ड्रॉ करने वाली हूँ, रेड रोजेस. आप कोई भी कलर के कर सकते हो. सो यहाँ पे 3 रोजेस कर रही हूँ मैं. सो पहले जो उनके पेटल्स हैं, पंखुड़ियाँ हैं, वो बना रही हूँ मैं एंड साइमल्टेनियसली एक एक पेटल्स बढ़ाते बढ़ाते लेयर बाय लेयर इसको एक बड़ा फ्लावर में मैं कन्वर्ट कर दूंगी. सी, कुछ इस तरह से पेटल्स बनाते जाना है. सो आप अपने पसंद के हिसाब से कोई भी कलर का रोज या फिर कोई भी फ्लावर बना सकते हो. एक बार रोजेस हो जाता है देन कुछ लीव्स ड्रॉ कर देना है एंड देन ये जो पूरा प्लेट है ना उसको एक बॉर्डर दे देने वाली हूँ मैं. बॉर्डर देने से इसका एक फिनिश लुक आता है जो कि काफी ब्यूटीफुल लगता है. सो नेक्स्ट प्लेट में मैंने ऑलरेडी 2 लीव्स ड्रॉ कर लिए हैं. सो इसका पहले बैकग्राउंड बनाने वाली हूँ येलो कलर से. सो कलर को, बैकग्राउंड कलर को जितना लाइट रखे उतना बेटर है. सो वाटर और कलर मिक्स करके ये बैकग्राउंड रेडी हो गया एंड नेक्स्ट मैं थोड़ा सा डार्कर ग्रीन से ये जो लीफ है उसको पेंट कर रही हूँ. ये पेंट होने के बाद कुछ इस तरह से दिखता है एंड देन कुछ व्हाइट डॉट्स बना दूंगी. व्हाइट डॉट्स ये काफी ज्यादा एनहांस करते हैं लीफ को. अभी इस पिक्चर को हाईलाइट करने के लिए मैं ब्लैक स्केच पेन की हेल्प से ये सबको बॉर्डर दे दूंगी, इवन जो व्हाइट डॉट्स है उनको भी एंड लास्ट में डार्क येलो कलर से ये पेपर प्लेट का बॉर्डर भी बना दूंगी. सो नेक्स्ट चलते हैं थर्ड प्लेट पे. इसके लिए ब्लू कलर का बैकग्राउंड बना रही हूँ, एकदम लाइट ब्लू, स्काई ब्लू का. सो बैकग्राउंड बन जाने के बाद एक पेन के हेल्प से, ये एकदम पॉइंटेड पेन है उसके हेल्प से मैं एक राउंड बना लिया मैंने एंड देन कुछ लीव्स ड्रॉ कर रही हूँ. सो बेसिकली ये जो थर्मोकॉल प्लेट्स हैं ये आप ऑनलाइन भी मंगा सकते हो या फिर कोई भी शॉप में, आपको स्टेशनरी शॉप में या फिर क्राफ्ट के शॉप में इजीली अवेलेबल हो जाएगा एंड ये बहुत कम प्राइस में आराम से मिल जाते हैं. सो ये जो DIY किया है उसका मेन पर्पस ये है कि हमेशा हमें लगता है कि घर डेकोरेट करने के लिए बहुत एक्सपेंसिव चीज़ों की ज़रूरत होती है, पर ऐसा नहीं है. कम बजट में भी क्लासी से क्लासी डेकोर घर पर ईजिली बनाया जा सकता है. एंड सी, बातों बातों में ये लीफ भी हमारा कंप्लीट हो गया है एंड नेक्स्ट मैं कुछ छोटे छोटे ब्रांचेस ड्रॉ कर दूंगी उसी पॉइंटेड पेन के हेल्प से. अगर आपके पास एकदम पॉइंटेड पेन नहीं है तो आप ब्लैक डॉट पेन या फिर स्केच पेन भी यूज कर सकते हो. सो एक बार सारे ब्रांचेस हो गए देन इसको और थोड़ा सा ब्यूटिफाई करने के लिए जो लीफ है उनके भी थोड़े बॉर्डर कर दे रही हूँ. एंड देन कम्स ये थोड़े से फ्लावर्स. सो ये फ्लावर्स काफ़ी ज़्यादा पॉपअप करते हैं ये जो प्लेट है इसको एंड ये जो हमने पेंटिंग किया है इसमें बहुत ही ज़्यादा एक ब्राइटनेस और फ्रेशनेस भी ऐड कर देते हैं. मुझे इसी तरह से काफी ब्यूटीफुल लग रहा है. अगर आप चाहो तो इसी डिजाइन को फाइनल करके यूज कर सकते हो, पर मैं एक छोटू सा एक बर्ड ऐड करना चाहती थी इस पे. सो इसीलिए मैं पहले पेंसिल से ड्रॉ कर रही हूँ. अगर आप कंफर्टेबल हो तो आप डायरेक्टली पेंसिल ड्रॉ कर सकते हो या फिर पेंट कर सकते हो एंड एक बार जो ड्रॉइंग है वो हो जाता है देन मैं इसको पेंट कर दे रही हूँ
कोई ऐसे स्पेसिफिक कलर्स नहीं है, जो भी वर्ड दिमाग में आ रहा है उसी हिसाब से मैं इसको पेंट कर देने वाली हूँ। एंड कलर्स को थोड़ा ब्लेंड कीजिए, ज़्यादा स्टिफ ना रखिए, नहीं तो फिर वो एकदम जो क्रेयॉन की ड्राइंग जैसी लगेगी। तो थोड़ा मिक्स एंड मैच करके कलर्स को करेंगे ना तो थोड़ा नेचुरल सा लुक आएगा। सी जैसे यहाँ पे मैं थोड़ा सा ब्लैक एंड थोड़ा सा ब्राउन शेड भी दे रही हूँ, सो ये ड्राई होने के बाद काफी ब्यूटीफुल लगेगा। सी ये बर्ड मुझे सबसे ज्यादा क्यूट लगा, वैसे भी ये अच्छा लग रहा था पर बर्ड होने के बाद थोड़ा और ज्यादा क्यूट लग रहा है। एंड एकदम हल्के से पेन से ही इसका बॉर्डर बना दिया मैंने, एंड दिस इज डन। सो अभी जो मैंने तीन प्लेट्स बनाए उसी पैटर्न को फॉलो करके मैंने तीन और प्लेट्स बना लिए। सी ये ब्लू वाले के हिसाब से ये वाला रेड रोज और ये येलो रोज, एंड देन जो लीफ बनाया था उसके जैसा ये और एक लीफ का, दो शेड का बनाया है मैंने। सो तीन ऐसे प्लेट्स और तीन दूसरे प्लेट्स जो कि एकदम सिमिलर दिखे। एंड में मैंने सोचा कि एक और पेपर प्लेट को पेंट करके उसमें कोटेशन लिखती हूँ, तो मैंने इसको रेड बैकग्राउंड देके डार्क रेड कलर से उसका बॉर्डर बना लिया, एंड देन ये एक छोटू सा प्यारा सा कोटेशन लिख दिया। आप अलग अलग फॉन्ट के हेल्प से लिख सकते हैं, ये मैंने पहले पेंसिल से ड्रॉ कर लिया एंड देन इसको अभी एक पेन से कर रही हूँ, पेन से लिख रही हूँ, एंड उसके बाद जो स्केच पेन है उससे थोड़ा सा इसका बॉर्डर बना के इसको हाईलाइट कर दूंगी। तो कोटेशंस मेरे हिसाब से कोई भी अगर डेकोर हो ना, अगर उसमें कोई कोटेशंस आता है ना तो उसमें एक पर्सनल टच भी आ जाता है एंड ऊपर से थोड़ा और कंप्लीट मुझे लगता है, तो इसीलिए मैंने कोटेशंस लिखा। एंड सी अगर हम थोड़ा सा ऐसा बॉर्डर देके भी इसको करते हैं ना तो ये कितना अच्छा लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि एकदम प्रिंट किया गया हो। सी एंड देन थोड़ा इसको एनहेंस करने के लिए इसमें थोड़े थोड़े ड्राइंग्स भी मैं कर दे रही हूँ। सो नेक्स्ट अब हम इनको वॉल पे लगाएंगे, पर उससे पहले आप मुझे ये बताएगा कि सबसे ज्यादा आपको कौन सा पेपर प्लेट पसंद आया। सो एक बार वॉल आर्ट पेंटिंग करके सूख के पूरा रेडी हो जाए उसका बैक साइड लेना है हमें एंड एक मास्किंग टेप लेना है। सी ये मास्किंग टेप को मैंने मास्किंग टेप लिया है एंड इसको इस तरह से हमें पेस्ट कर देना है। सी यहाँ पे एंड यहाँ पे आप चाहो तो और भी लगा सकते हो या फिर सेंटर में एक भी लगा सकते हो, एंड इसको अब मैं डायरेक्टली वॉल पे पेस्ट कर दूंगी। पेस्ट करते वक्त इसको अच्छे से प्रेस करना है ताकि ये थोड़ा सा अच्छे से फिक्स हो जाए, एंड इसमें कोई नेल्स भी नहीं लग रहा, सो ये रेंटर फ्रेंडली भी है। सकते हैं। वीडियो अगर पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा एंड वो जो सब्सक्राइब बटन है प्लीज उसको क्लिक कर दीजिएगा ताकि मैं जब भी कोई इंटरेस्टिंग सा वीडियो लाऊं आपको तुरंत ही उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। मिलते हैं अगले वीडियो में, टिल देन बाय बाय।